गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी स्विस फेडरल जुडिशरी। दैट मीन्स हम स्विट्जरलैंड की जुडिशरी को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा था स्विट्जरलैंड का, उसके फीचर्स देखे थे, इवन उसका लेजिस्लेचर देखा था। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी है तो मैंने इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। सो बेसिकली आज हम क्या कवर करने वाले हैं, स्विट्जरलैंड की जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी का मतलब क्या होता है, वहाँ की जो स्विट्जरलैंड की जुडिशरी है उसकी क्या फीचर्स है, वो सब चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया दैट आज हम स्विट्जरलैंड की जुडिशरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले हमको जुडिशरी का मतलब क्लियर होना चाहिए, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशरी। आफ्टर दैट हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली जुडिशरी का मतलब क्या होता है, उससे हम थोड़ा सा पीछे और चलते हैं और हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है हमारी, उसके तीन ऑर्गन्स होते हैं। वन इज लेजिस्लेचर, अनदर वन इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। सो लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉज बनाने का। दैट मीन्स इट इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ इम्प्लीमेंट करने का। दैट मीन्स वो क्या करता है, कानून को लागू करता है। एंड जुडिशरी का काम होता है लॉज पे चेक रखने का। दैट मीन्स वो चेक रखती है कि क्या सब लोग लॉज जो है फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन केस अगर कोई वॉयलेट कर रहा है, कोई कानून तोड़ रहा है, तो ऐसे में उसको पनिशमेंट देने का काम जो है जुडिशरी का होता है। सो वही चीज़ आज हम बेसिकली स्विट्जरलैंड में देखने वाले हैं कि वहाँ की जुडिशरी कैसी है। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो स्विट्जरलैंड की जुडिशरी है उसको हम एक और नाम से जो है एड्रेस करते हैं, दैट इज़ फेडरल ट्रिब्यूनल। तो ये जो स्विट्जरलैंड का फेडरल ट्रिब्यूनल है, ये गवर्नमेंट के जितने भी तीन ऑर्गन्स है उसमें से सबसे यंगेस्ट ऑर्गन है द स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल। ये जो स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल है ये वहाँ का जो है सुप्रीम कोर्ट है। एंड ये जो स्विट्जरलैंड की जुडिशरी है ये बेसिकली कंसिस्ट करती है कुछ कोर्ट से मिलके। अब वो कोर्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट इज द फेडरल सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड वन इज द फेडरल क्रिमिनल कोर्ट, थर्ड वन इज द फेडरल पेटेंट कोर्ट एंड द फोर्थ वन इज फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। जैसे हमारे होते हैं ना इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वैसे ये यहाँ पे कुछ कोर्ट्स है जो कि मिलके स्विट्जरलैंड की जुडिशरी को बनाते हैं। सो आज हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज फेडरल सुप्रीम कोर्ट या व्हाट इज फेडरल क्रिमिनल कोर्ट। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन फर्दर वीडियो। सो जो फेडरल ट्रिब्यूनल है वो क्रिएट हुआ था 1875 में एंड उसको धीरे धीरे पावर्स दी गई, अथॉरिटी दी गई और पावर्स और अथॉरिटी को बढ़ाया गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आए जिसके थ्रू फेडरल ट्रिब्यूनल की पावर्स को और अथॉरिटी को जो है बढ़ाया गया। अब यहाँ ये जो फेडरल ट्रिब्यूनल है या ये जो स्विट्जरलैंड की फेडरल जुडिशरी है, इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन मोटो है लॉ, जस्टिस एंड पीस। दैट मीन्स कानून, न्याय और शांति। ये मेन मोटो है फेडरल जुडिशरी का ऑफ स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो ये तो चीज़ हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा अबाउट दी फेडरल जुडिशरी ऑफ स्विट्जरलैंड। अब हम बेसिकली जो हमने ऊपर कोर्ट्स डिस्कस करे थे उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी फेडरल सुप्रीम कोर्ट। सो ये जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है इसकी परमानेंट सीट है लॉज़ेन में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ वॉर। एंड ये जो है सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी है स्विट्जरलैंड में। मतलब सबसे बड़ी अगर जुडिशियल अथॉरिटी कोई है तो दैट इज़ फेडरल सुप्रीम कोर्ट। ओके, नाउ इस कोर्ट का क्या यूज़ है, तो बेसिकली ये कोर्ट ऑफ अपील है फॉर ऑल डिसीजन ऑफ कैंटोनल कोर्ट्स। दैट मीन्स स्विट्जरलैंड के जितने भी कैंटन्स है, पहले तो कैंटन्स का मतलब समझ लेते हैं। कैंटन्स मतलब बेसिकली स्टेट्स। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स बोला जाता है, कहीं पे कुछ और नाम से बोला जाता है, वैसे ही स्विट्जरलैंड में कैंटन्स बोला जाता है। मतलब कैंटन्स मतलब एक कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स होते हैं दैट आर कैंटन्स। जैसे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है हम उन्हें स्टेट्स बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे कैंटन्स बोला जाता है। अब कैंटन में जितने भी कोर्ट्स है वहाँ के जो डिसीजन्स है उनकी अपील कहाँ होती है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब एक और काम करता है ये सुप्रीम कोर्ट, ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन करता है बचे हुए तीन कोर्ट्स का। ओके, दैट इज क्रिमिनल कोर्ट, पेटेंट कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का। सो हमारा नेक्स्ट कोर्ट आता है द फेडरल क्रिमिनल कोर्ट। ये नाम से पता चल जाएगा कि ये क्या करता है, जो भी क्रिमिनल केसेस होंगे उनके साथ डील करता है। ठीक है, इसकी जो परमानेंट सीट है वो कहाँ है, बेलिनज़ोना में, जो कि कैपिटल है टिसिनो की। एंड ये एक और चीज़ करता है कि ये क्या करता है, डिस्प्यूट सॉल्व करता है। अगर कोई भी वाद विवाद हो जाता है कैंटोनल प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज़ में, कैंटोनल की प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज़ में मतलब जो कैंटन्स है वहाँ की जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटीज़ है उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सॉल्व करता है द फेडरल क्रिमिनल कोर्ट। सो द नेक्स्ट कोर्ट इज़ द फेडरल पेटेंट कोर्ट। ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। ये किसके साथ डील करता है? पेटेंट केसेस के साथ डील करता है। अब ये पेटेंट केसेस क्या होते हैं वो चीज़ हम समझ लेते हैं। सपोज कोई ऑडियो या वीडियो का मैंने पेटेंट ले रखा है, दैट मीन्स कि मैंने एक ऑनरशिप ले रखी है कि मैंने इस वीडियो को क्रिएट कराया है, इस ऑडियो को क्रिएट कराया, तो कोई भी वो वीडियो या ऑडियो को कॉपी नहीं कर सकता विदाउट माई परमिशन। ठीक है, तो इन केस अगर कोई ऐसा करता है कि बिना मेरी परमिशन के वो वीडियो या ऑडियो यूज़ करता है तो ऐसे में उसके ऊपर मैं जो है केस कर सकती हूँ। ठीक है, तो सेम वो चीज़ का काम जो है कौन करता है? द फेडरल पेटेंट कोर्ट। इसने 2012 से ये पेटेंट केसेस जो है लेना स्टार्ट कर दिया था। एंड इसकी सीट कहाँ पे? सांत गैलन में। एंड इसकी सीट कहाँ पे? सांत गैलन में। ठीक है, नाउ हमारा फोर्थ कोर्ट आता है दैट इज फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। इसकी भी परमानेंट सीट कहाँ पे? सांत गैलन में। ये क्या करता है? ये बेसिकली जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं जो फेडरल अथॉरिटीज़ ने लिए हैं या जो कैंटोनल अथॉरिटीज़ ने जितने भी डिसीजंस लिए हैं उसको रिव्यू करता है। ये क्या करता है? ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए हैं फेडरल अथॉरिटीज़ द्वारा या कैंटोनल अथॉरिटीज़ द्वारा उसको पूरा रिव्यू करता है कि क्या ये डिसीजन सही है, नहीं है, क्या लिया गया है, कैसे लिया गया है, तो वो हर एक चीज़ रिव्यू करता है। कौन? द फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। तो ये तो हमने चार कोर्ट्स देखे जो कि बेसिकली कंसिस्ट करते हैं फेडरल जुडिशरी को, जहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, पेटेंट कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की बात करी। ओके, अब हम देखेंगे बेसिकली फेडरल ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन क्या है। अब हम बेसिकली फेडरल ट्रिब्यूनल के बारे में या फिर हम कह सकते हैं फेडरल सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम देखने वाले हैं। अब इसका मेन कंपोजिशन क्या है पहले हम सबसे पहले वो चीज़ डिस्कस करेंगे। सो हमारा ये जो फेडरल ट्रिब्यूनल है इसके हेडक्वार्टर्स है लॉज़ेन में, जैसे कि मैंने बताया था दैट इट इज़ द कैपिटल ऑफ वॉट। ठीक है, तो बेसिकली हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फेडरल ट्रिब्यूनल और द फेडरल सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो फेडरल ट्रिब्यूनल है इसमें 38 फेडरल जजेस होते हैं एंड 19 ऑल्टरनेट जजेस होते हैं, जिसमें करंटली अगर हम देखें तो 14 वुमेन्स और 24 मैन जो है वो सर्व कर रहे हैं एज फेडरल जजेस। अब ये जो जजेस होते हैं इनको इलेक्ट कौन करता है? तो इनको बेसिकली फेडरल असेंबली इलेक्ट करती है जो कि स्विट्जरलैंड की लेजिस्लेचर है, जिसे हम बोलते हैं फेडरल असेंबली। तो दे आर इलेक्टेड बाय दी फेडरल असेंबली एंड इनको 6 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है एंड ये वापस जितनी भी बार चाहे उतनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं। अब ये जो ट्रिब्यूनल है ये खुद के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है फॉर अ 2 ईयर टर्म, मतलब 2 साल के टेन्योर के लिए इलेक्ट करती है। बट यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है इनको वापस री इलेक्ट नहीं किया जा सकता कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। दैट मीन्स अगर उसने 2 साल अभी सर्व किए तो हाथों हाथ नेक्स्ट 2 ईयर्स वो वापस सर्व नहीं कर सकते एज जज। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, कोई भी सिटीजन जिसके पास लॉ डिग्री है, जो क्वालिफाइड है नेशनल काउंसिल के इलेक्शन के लिए, उसको एज अ जज ऑफ फेडरल ट्रिब्यूनल इलेक्ट किया जा सकता है। एंड वो जो नेम है वो कौन प्रपोज करता है? जुडिशियल कमेटी प्रपोज करती है ये चीज़, लेकिन कहीं भी हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट ये एक वहाँ का बेसिकली रूल है कि कोई भी सिटीजन जिसके पास भी लॉ डिग्री है, जो भी क्वालिफाइड है फॉर द इलेक्शन टू द नेशनल काउंसिल, तो उसको भी एज अ जज ऑफ फेडरल ट्रिब्यूनल इलेक्ट किया जा सकता है। बट वो नेम्स कौन प्रपोज करता है? जुडिशियल कमेटी प्रपोज करती है कि ये नेम्स है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज जो फेडरल असेंबली, फेडरल काउंसिल के जो मेंबर्स है या जो भी ऑफिशियल्स है जो कि इन्होंने एम्प्लॉय कर रखे हैं उनको इलेक्ट नहीं किया जा सकता एज अ जज ऑफ फेडरल ट्रिब्यूनल। ठीक है, फेडरल असेंबली एंड फेडरल काउंसिल, दैट मीन्स जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स है या उन्होंने जो भी ऑफिशियल्स जो है एम्प्लॉय कर रखे उनको इलेक्ट नहीं किया जा सकता। नाउ स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज़ बोलता है कि जितने भी 3 लिंग्विस्टिक मेजर एरियाज है, दैट इज फ्रेंच, इटालियन एंड जर्मन, उसको ट्रिब्यूनल में, फेडरल ट्रिब्यूनल में अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। एंड जो फेडरल ट्रिब्यूनल के जज होते हैं वो बाहर और कोई दूसरी ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते जहाँ से उनको बेसिकली प्रॉफिट हो, वो ऐसी कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, उसकी परमिशन इनको नहीं होती है। एंड ऑब्वियसली ये जो जजेस होते हैं इनके पास स्टेटस होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। अब यहाँ पे कुछ डेप्यूटी फेडरल जज भी होते हैं, ये तो मेन जज होते हैं जो मैंने अभी इतनी देर से बात कर रही थी, बट कुछ डेप्यूटी फेडरल जज भी होते हैं जिसको बेसिकली फेडरल असेंबली इलेक्ट करती है, दैट मीन्स वहाँ की लेजिस्लेचर इलेक्ट करती है। अगर हम देखें वहाँ पे कितने डेप्यूटी फेडरल जज हैं तो वहाँ पे 19 डेप्यूटी फेडरल जज है जिनको फेडरल असेंबली इलेक्ट करती है। ये जो डेप्यूटी फेडरल जज होते हैं वो बेसिकली पार्ट टाइम वर्क की तरह वर्क करते हैं, दैट मीन्स उसके अलावा वो और कुछ वर्क भी कर सकते हैं, मतलब वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, मे बी वो लॉयर्स भी हो सकते हैं, या कुछ भी होना चाहे वो हो सकते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि जो मेन जज होते हैं उनका मेन वर्क ही यही होता है, वो और कोई गेनफुल ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, उसकी परमिशन उनको नहीं होती है। बट यहाँ पे डेप्यूटी फेडरल जज को जो है दूसरी ऑक्यूपेशन करने की भी परमिशन होती है और उसको ये एज अ पार्ट टाइम वर्क करते हैं। जब मेन जज जो है बीमार हो जाए तो उसके रिप्लेसमेंट में ये डेप्यूटी जज आते हैं एंड अपना वर्क करते हैं। एंड इनके राइट्स की अगर बात करें तो इनके पास सेम वही राइट्स है जो ऑर्डिनरी जजेस के पास है, तो ड्यूटीज करते टाइम इनके पास वो सेम राइट्स होते हैं जो ऑर्डिनरी जजेस के पास होते हैं। बस ये चीज़ है कि पार्ट टाइम यहाँ पे वर्क करते हैं एंड आगे ये जो है किसी भी दूसरी ऑक्यूपेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं और ये एज अ रिप्लेसमेंट सर्व करते हैं। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमने बेसिकली देखा कंपोजिशन ऑफ फेडरल ट्रिब्यूनल, उसके अलावा हमने 4 कोर्ट्स की बात करी थी, उनको भी हमने थोड़ा थोड़ा देखा कि क्या होते हैं वो कोर्ट्स, क्या मतलब होता है उनका। एंड उसके अलावा हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस करा ऑफ स्विट्जरलैंड फेडरल जुडिशरी का। सो या दैट वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इन केस अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता या फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती है देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। सो या अगर आपके थोड़े बहुत भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो या थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन, ओके। एंड या इन केस आपको लगता है मेरे को कहीं पे इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए या आपको मेरी कुछ पढ़ाई हुई चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आई हो या कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा दैट आर यू ऑल लाइकिंग माई वीडियोज़ और नॉट, सो दैट आई कैन नो वेयर आई हैव टू इम्प्रूव। सो प्लीज़ अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड ऑब्वियसली मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। Bye bye, take care, we'll see you in my next video.